और से बात फरीदाबाद की करेंगे। आपको तो देखिए, यहाँ पर फरीदाबाद में आए दिन बदमाशों की गुंडागर्दी की तस्वीरें खुलेआम सामने आ रही हैं। आए दिन यहाँ पर किसी के भी साथ मारपीट करते हुए किसी को भी यहाँ पर जो है देखा जा सकता है और किसी को भी यहाँ पर घायल कर देते हैं। ऐसा ही ताजा मामला फरीदाबाद की आदर्श नगर थाना क्षेत्र के सामने आया है, जहाँ पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर लोहे की रूढ़ से और साथ ही लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित पक्ष के यहाँ पर कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी और कार्रवाई करने की मांग की है। संजीव कुमार है औरत कौन है? औरत पता नहीं, मैं नहीं जानता, नॉन औरत है। अच्छा, मैंने उससे मना करी, वो इस चीज़ के ऊपर मेरे ऊपर भड़क गया। भड़कने के बाद में तू तू मैं होने लगी, मेरा लड़का मेरे को खींच के अंदर ले गया, हम अंदर चले गए। उस साथ सात लड़के बुलाए उन्होंने, बदमाश अपने लड़के के फोन किया, वो कोई जिम चलाता है, वो सारे लड़के आगे, मेरे दांत भी टूट रहे हैं देख लीजिए, हाथों में भी चोट लगी हुई है। हम अंदर चले गए, उन्होंने आकर के गेट तोड़े, ये तोड़े, मेरा लड़का ड्यूटी पैसे आया उसके सिर फोड़ दिया, छोटे लड़के के हाथ पैर तो मैं चोट मारी है उन्होंने। अभी आगे अब ये पुलिस आई है, इन्होंने हमारी हेल्प करी है, कितनी देर बाद आई? ये भी कम से 1 घंटे बाद आई है, एक घंटे इन्होंने भी आकर के फोटो वगैरह कुछ नहीं लिए, जैसे वो होती है पूछताछ होती है, ठीक है ना? तो कम से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो कानूनी कार्रवाई हो की जाए, ऐसे लड़ाई हुआ भैया जटवा के बाद, छोरा ड्यूटी पे था, हम तो घर में बैठे और एकदम ड्यूटी पे थे, आता हुआ ही छोरा का सिर फोल लिया, वही गुथ गए। जब गुथ गए हम तो जब गेट खोल के गए, कितने लोग थे? लोग तो भैया गए 50 50 छोरा होंगे कम से कम, जब जिम में कितने ये आके सभी आए, खूब सरियाए, धनी धन हुई है जैसे गोली चला रहे हो, ऐसा करिए गोली, हाँ, और खूब ये तोरे सरियानते, और ऐसे खूब लंबे बाल है दाढ़ी, और खूब गंदी गाली दई है उन्होंने हमें, यो भी ना के गंदी गाली ना दी, गाली भी खूब दई है। हम तो ये चाहते हैं कि इसको बढ़िया से बढ़िया करक वो होना चाहिए। हाँ तो भैया 2 साल पहले तो गली में पहले हंगामा करे गुंडान थे, अब कर दिया हम पे, और तो फिर तो ये सबको हावी रहेगा।